हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस आज इस वक्त हैं घर पर और आज कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, तो चलो चलते हैं। थोड़ा आज मौसम भी थोड़ा ठीक है, तो गाइस बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलो चलते हैं। और गाइस आज मैं आपको दिखा दूँ मौसम कितना क्लियरली हुआ पड़ा है। और इधर भी मतलब माली को फ़ोन किया था, जो पार्क का होता है गार्डनर, जो गार्डन को साफ करता है, उसको मैंने ऑलरेडी फ़ोन किया हुआ था, तो वो आया। बारिश होने के कारण वो चला गया, तो इधर थोड़ी सफाई की है पार्क में। ये देखिए पार्क की कटाई थोड़ी बहुत की है, बाकी और भी देखते हैं इधर से। आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आज का मौसम जो है काफ़ी अच्छा है। तो चलो देखते हैं। और गाइस यहाँ पे हरियाली भी बहुत ज़्यादा है, तो ये देखिए गाइस यहाँ से कटाई की है, बस इधर थोड़ा साइड रह गया है कटाई करने के लिए। और फूल पत्तों का देख लीजिए आप इन सबको। और गाइस इधर देख लीजिए मौसम कितना अच्छा हुआ पड़ा है, पूरा क्लियर हुआ पड़ा है गाइस मौसम, देखिए आप इधर से। तो गाइस इसमें थोड़ा कैमरा क्वालिटी आज अच्छा नहीं आ रहा होगा, वो इस करके गाइस मैंने आज फ़ोन चेंज किया है। थोड़ा मुझे लगा कि दूसरे फ़ोन में आज थोड़ा ब्लॉग शूट करते हैं। तो गाइस मैं देख लीजिए यहाँ पे गार्डन में बैठ गया हूँ और मैं सोचता हूँ कि चलो यहाँ पर 5 मिनट बैठता हूँ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे बादल भी हुआ पड़ा है, कहीं पर पानी बारिश ना हो जाए। तो चलो आगे देखते हैं, आज थोड़ी सैर वगैरह करते हैं पार्क में, देखते हैं और क्या क्या ना मतलब लगा है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा है। और ये देख लीजिए यहाँ पे फूल जो काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, ये फूलों का पौधा हो गया। और गाइस ये देखिए बादल गाइस कितना अच्छा हुआ पड़ा है गाइस, ये देखिए। और इधर भी देख लीजिए गाइस कितना बादल हुआ पड़ा है। और इधर देख लीजिए, तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए ये कोठी है, जो हाउस है, इसका व्यू कैसा आ रहा है, कितना अच्छा और काफ़ी बढ़िया। और गाइस इससे पहले इस फूल को देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस ये क्या, बारिश स्टार्ट हो गई है, मुझे लगता है जा नहीं पाऊँगा उधर जिधर जाना था। थोड़ा गार्डन में टहल लेते हैं और पेड़ पौधों के साथ थोड़ी बातें कर लेते हैं। ये देखिए अमरूद का पेड़, इसमें अभी तक तो अमरूद नहीं लगा है, लगा था आई थिंक थोड़ा बड़ा हुआ था, बस अभी ख़त्म। और गाइस मैंने दूसरे गार्डन में आपको नींबू भी दिखाया था, और इस गार्डन में देखिए इसमें काफ़ी ढेर सारा और भरपूर नींबू लगे हुए हैं। तो गाइस ये देख लीजिए इसमें बहुत ढेर सारा और भरपूर नींबू लगे हुए हैं। तो इस गार्डन में मैं कुछ अपने से काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए वो जो आप देख रहे हैं ये पुदीना है। और मैं आपको दिखाता हूँ आम, आम गाइस ये देखिए पक चुका है, इसे तोड़ते हैं अभी। ये देखिए गाइस ये आम पूरा पका हुआ है, ये देखिए ये पक चुका है ये आम, हम इसे किसी डंडे के सहारे तोड़ेंगे। और भाई ये देखिए यहाँ से, तो
तो गाइस मेरा हाथ वहाँ पर पहुँच नहीं रहा है, मुझे डंडे के सहारे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बारिश भी होने लगी है, आप देख सकते हैं बूंदे बूंदे होने लगी है। तो चलो क्या ऐसे तोड़ते हैं, हाथ पहुँच नहीं रहा गाइस, मैं डंडा लेकर आता हूँ एक मिनट। तो गाइस ये देख लीजिए, ये हमने बनाया है डंडे का, इससे हम तोड़ेंगे। तो गाइस ये देखो, गाइस ये देख लिया मैंने कितने पके पके आम तोड़ लाए हैं। तो गाइस ये देख लीजिए आप कि मैंने कितने सारे आम तोड़ लाए हैं यहाँ पर, और बिल्कुल पके पके और पीले पीले से हैं। सो तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने आम ले आया हूँ कितने पके पके, और चलो इसे खाते हैं और इसका टेस्ट चेक करते हैं। क्योंकि भाई मैंने देखा पेड़ में पके हुए आम थे, तो मुझे लगा कि तोड़ लेना चाहिए, इसलिए मैंने पहले तोड़ लिया। आपको पता है डंडे के सहारे मैंने तोड़ा है आम को, और अब इस डंडे को जहाँ से लिया था वहीं पर रख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर। और अब हम आम को पहले धोएंगे, फिर उसके बाद इसे खाएंगे। सो तो गाइस ये देख लीजिए आम, अब मैं इसे छीलता हूँ और इसे खाता हूँ, टेस्ट करता हूँ इसका कैसा टेस्ट है। उससे पहले ये भी देख लीजिए, सभी आम पके हुए हैं, काफ़ी अच्छा और हेल्थी, मीठा मीठा। चलो इसे टेस्ट करके बता रहे हैं। मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, इस करके गर्मी लग रही थी गाइस बहुत। तो ये देख लीजिए गाइस ये देख लीजिए कितना अच्छा, और कितना कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है। मेरे हिसाब से खाने में भी टेस्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा टाइम ना करते हुए, देरी ना करते हुए इसे खाते हैं, इसे पहले टेस्ट करते हैं। गाइस ठीक है, स्वाद में बिल्कुल ठीक है। ये देखिए मैं वैसे ही छील रहा हूँ बिल्कुल, और है भी ठीक। और मैं देख लीजिए लेके भी कितना बैठा हूँ, इतने आम लेके बैठा हूँ पूरा एक थाल। हर सभी को खाना है, किसी को बुलाना नहीं है, नहीं तो ख़त्म कर देगा आगे, अकेले ही खाना है। चलो कोई है भी नहीं घर पे, कोई आ ही ना जाए भाई।
तो गाइस आम काफ़ी टेस्टी था और आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिए, अगर लगा तो भी कमेंट कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। हम फिर आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग जल्द ही लेकर, जल्द क्या कल सुबह ही लेके आ रहे हैं, तो देरी मत कीजिएगा। पूरे मैं 8 बजे लेकर आऊँगा कल का ब्लॉग, सो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट 8 AM।